इतना सुकून मिल रहा है ना चेतु, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है। ये देखिए कितने सारे एप्पल हुए हैं। ये फ्लावर कहाँ पे छुप के खिला है। बारिश आ गई है, फटाक से हम लोग जाएगा अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी है हम लोग श्रीनगर में, पापा जी रेडी हो गए हैं। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चेतु और दक्षिता ये देखिए खेलने में लगे हैं। दक्षिता गुड मॉर्निंग। दक्षिता भी रेडी हो गई है और हम लोग खूब सारा मस्ती करने वाले हैं आज। और ये देखिए इन लोग का मस्ती ऑलरेडी चालू है। और पता है बारिश हो रही है, मैं सोची थी बारिश नहीं होगी ना तो अच्छे से थोड़ा घूमेंगे ये एरिया में जहाँ पे है अभी। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली रेडी तो हो गए हैं सब लोग, एंड आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वैसे श्रीनगर तो हम लोग उतना नहीं घूम पाएंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्टली निकलेंगे यहाँ से बालटाल के लिए, एंड फिर वहां से देखेंगे आगे का जो भी है आप लोग के साथ तो शेयर करूंगी ही मैं। तो चलिए मम्मी से मिला देती हूँ आप लोगों को। मम्मी मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मम्मी भी रेडी हो गई है और मिलाना बाकी है सब लोगों से। आपको मिलाती हूँ मोमेंट से। मोमेंट कहाँ है? मोमेंट अपना बिजी है सुबह सुबह जो भी उनका काम है ना, पेमेंट वगैरह का या साइट का, वो सब करने में। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। तो इनको बिजी रहना देते हैं। अच्छा चलिए दीदी से मिलाते हैं, दीदी बच गई ना अभी। तो अब हाँ चेतु, चेतु मामा। हाँ बेटा मामा। बेटो ओलिवर पा लव यू बस घूमा। तो चलिए दीदी से मिलाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दीदी रेडी हो गई है, आ जाइए। तो सब लोग से मिल गए और फाइनली दीदी से। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बारिश हो रही है, मन वो हो गया ना, वो तो फिर रुक जा रहा है। हाँ रुक रहा है, हो रहा है। बट आप लोग इतना सुंदर सुंदर फ्लावर हुआ है ना अभी, रोजेस तो इतना सुंदर लग रहा है, एंड छोटा छोटा ना एप्पल भी हुआ है। दिखाती हूँ सारा आप लोगों को। ये तो बारिश है क्योंकि देखो उसको। हाँ देखिए बारिश हल अभी नहीं हो रहा है। हाँ एप्पल सब दिखाती हूँ, पापा बोल रहे दिखाने। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग का एप्पल भी। किसको देखो, गार्डन इतना सुंदर, ये ऐसे गार्डन और ऊपर में ये ग्रीन सा जो शीट लगा ना, ये देख के तो आप लोग को लग ही गया होगा कि हम लोग हैं श्रीनगर में एंड कश्मीर में है। तो ये दिखाते हैं एप्पल भी आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे एप्पल हुए हैं। अभी तो ग्रीन ग्रीन ही है और बहुत सारा हुआ है। सारे एप्पल का पूरा देखिए, ये पूरा बगान ही एप्पल का इधर बना हुआ है। इधर से तो पानी हो रहा है। और चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं सारे रोजेज आप लोगों को। में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दिख रहा है ना, एंड ये देखिए फ्लावर कहाँ पे छुप के खिला है, कितना खूबसूरत लग रहा है और इतने बड़े बड़े हैं। और ये सारे एप्पल थोड़े थोड़े रेड हो गए हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े रेडिश हो। पापा जी खिलाते हैं सब लोग फोटो शूट कर रहे, थोड़ा एप्पल के साथ हो जाएगा ना फोटो शूट तो अच्छा लगेगा, तो याद रहेगा, स्पेशली याद रहेगा क्योंकि ऐसा एप्पल तो ही मिलेगा उधर हमारे साइड में। तो ये तो हमें कश्मीर में या हिमाचल में ही मिलता है एप्पल, तो हिमाचल जब जाएंगे तो हिमाचल में देखेंगे, अभी तो फिलहाल कश्मीर में है।
तो ये देखिए सब लोग का चल रहा है शूट। थोड़ा रोज के पास भी चलते हैं। रोज मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताऊँ। ये देखिए बहुत सारा है गार्डन। एक्चुअली अच्छा लगता है। सुबह सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही है, उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, बट आई होप कि थोड़े दिन में ठीक हो जाना चाहिए। एंड ये देखिए ओम नमः शिवाय, मे भी शायद मिरर इमेज दिख रहा होगा आपको। फाइनली बम बम भोले चलते हैं, है ना, अमरनाथ बाबा जी का दर्शन करेंगे। अंदर तो अलाउड नहीं है, बट रास्ते में तो आप लोग को लेके चलूंगा। फ्लावर एक तो छूट गया, वो फ्लावर भी तो दिखाना बनता है ना। चलिए दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सा येलो कलर का फ्लावर है। मतलब अभी मुझे लगता है ये सीजन है फ्लावर का। प्यारा प्यारा सा फ्लावर है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको दीदी से इतना प्यार हो गया, दीदी इतना सारा खाने के लिए दे रही है ना, तो बस दीदी दीदी ही चाहिए अभी, मम्मा का कुछ भी नहीं है। वाह वाह चेतू अपना, वाह चेतू तोड़ना नहीं बेटा, तोड़ना नहीं चेतू। हाँ पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, प्यार कर दो बेटा फूल को। Your flower. मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, चेतू मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है और सबके साथ खेल रहा है। यहाँ पकड़ो, यहाँ देखो, यहाँ मम्मा मम्मा बाय चलो चेतू टुबा बारिश आ गई है, फटाक से हम लोग भागते हैं और मम्मी यहाँ बैठी हुई है नानी के साथ। झूला 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 झूलेंगे, बाय बाय झूला। अच्छा चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ झूला झूला। ला 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 तू बाय तू बाय तू बाय चेतू चेतू को मैं दिखा रहा है, क्या बाप हो रहा है चेतू, तुम्हारा पापा ही मिसिंग है। जाओ देखिए कश्मीर का कार्टून, पापा जी बहुत गौर से देख रहे हैं इसका। अब तो मशीन आ गया, मशीन लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये गेट फाइनली आ गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड फिर निकलेंगे। टाइम देखिए ऑलरेडी हो गया है 8:45। स्टिल ही इज बिजी ऑन फोन, मतलब कोई भी इंजॉयमेंट ही नहीं है, इतना दूर से आए हैं कोई इंजॉयमेंट नहीं है इनका। तो फाइनली 9:30 में निकल गए हैं यहाँ से एंड
रोड चेक करता हूँ। अच्छा, उसके लिए ओनली रोड चेक करने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, माय स्मूथ कहीं लगा हुआ हो तो सुबह सुबह उसको चेक करेगा। ये इसी रूट पे ये सारे जगह पड़ते हैं। मेन रोड को हम लोगों ने छोड़ दिया जो बारामूला को। अमरनाथ यात्रा का बसेस निकल के आ रहा है। तो हम लोग बस मौसम का मजा लेते हुए और नजारों का मजा लेते हुए चल रहे हैं रोड पे। इतना खूबसूरत रोड है, रोड के चारों साइड जो आपको सीनरी दिखेगा वो इतना खूबसूरत दिखेगा ना। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो और भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बादल पूरे लगे हुए हैं एंड कश्मीर में जो है ना ऑलरेडी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है आर्मी के द्वारा। CRPF जो है ना वो हर जगह पे रहते हैं एंड अभी तक मैं जितना दूर तक आई हूँ हर एक जो रोड जा रहा है ना अंदर की तरफ, सर्विस रोड जो होते हैं छोटे छोटे, हर एक रोड में एक ना एक CRPF के जवान आपको दिख ही जाएंगे। मैं अभी तक गौर करते आई हूं एंड मुझे कोई भी ऐसा खाली रोड नहीं दिखा है। तो इतने अच्छे से सिक्योरिटी, पूरा सेफ्टी मेंटेन किया गया है कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये कंटिन्यू रहेगा, ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा, बट व्लॉग बहुत लंबा
लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, हमारे साथ कश्मीर आप भी घूमिए चलिए। बट हाँ, अच्छे अच्छे नज़ारे आप लोग को दिखाऊंगी, जितना मुझे दिखेगा उतना तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। टिल देन बाय।